इसके लिए उन्होंने पूरे बिहार में जो है 40 इंटरनेशनल स्कूल रखे थे। यहाँ पर जो है माध्यम के ज्ञानोदय कृष्ण स्कूल में गोपाल में यहाँ उर्दू कॉलेज में भी जो है इस तरह के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और यहाँ पे फ्री कंप्यूटर, फ्री कंपटीशन और फ्री जो है बच्चों को, गरीब बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। कांग्रेस के पूर्व विधायक सह उद्योगपति बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है वो देर रात मुंबई में अपराधियों ने कर दी। मूल रूप से बाबा सिद्दीकी जो है वो बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको उनके गांव, उनके पैतृक गाँव मांझा के दिखा रहे हैं। और ये जो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, गमगीन नजर आ रहे हैं, ये उनके परिवार के ही लोग हैं। देखिए किस तरीके से, और ये जो घर आप देख रहे हैं ये बाबा सिद्दीकी का पैतृक गांव में जो है वो पुराना वाला घर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो मुंबई में रहते थे, कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, उद्योगपति थे, और वो गोपालगंज के लिए क्या कर रहे थे। और उनकी खबर जैसे ही, उनकी हत्या की खबर गाँव वालों तक पहुँची तो क्या माहौल जो है उनके गांव मांझा में है। दरअसल गोपालगंज टू मुंबई कैसे सफ़र रहा। दरअसल बाबा सिद्दीकी के जो पिता हैं वो सर्वप्रथम मुंबई पहुंचते हैं रोज़ी रोज़गार के लिए। वो रेडी पहले लगाते हैं, फिर घड़ी की दुकान में काम करते हैं। और इसी दौरान जो है वो इस काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जो है बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी का जो है वो रहा। आगे चलकर बाबा सिद्दीकी जो हैं खूब मेहनत करते हैं, राजनीति में आते हैं, 3 टर्म जो है वो कांग्रेस से विधायक रहते हैं। बहरहाल उनकी मौत हो चुकी है बाबा सिद्दीकी की, लेकिन गोपालगंज के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते थे बाबा सिद्दीकी। मुझे याद है कि बीते साल जो है बाबा सिद्दीकी ने पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था जिसमें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचे थे। तो बाबा सिद्दीकी इसके अलावा गोपालगंज में जो है बच्चों, गरीब बच्चे मुकम्मल तालीम हासिल कर सके इसके लिए अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो चला रहे थे। और ख़ासकर मांझा जो उनका पैतृक आवास है वहाँ पर एक स्कूल का भी जो है वो संचालन जो है इस ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा था। और इसके अलावा इस ट्रस्ट का काम जो है गरीब बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, पेन, कॉपी सब कुछ जो है वो बाबा सिद्दीकी जो है इस ट्रस्ट के माध्यम से जो है वो गरीब बच्चों को जो है वो देते थे। अब्दुल रहीम सिद्दीकी, चूँकि उनके पिता का नाम था और उनके पिता के नाम से ही उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। इसके अलावा भी कई जन सरोकार के काम जो हैं वो बाबा सिद्दीकी लगातार गोपालगंज या गोपालगंज के आसपास के इलाकों में करते रहे थे। जब भी उन्हें काम से फुर्सत मिलता था वो अपने पैतृक गांव आना नहीं भूलते थे। 1.5-2 साल के अंतराल पर वो गांव आते थे, गोपालगंज आते थे। और ख़ासकर देखिए गोपालगंज का इलाका जो है वो कहीं ना कहीं युवा क्रिकेटरों को भी कहीं ना कहीं जन्म दे रहा है। कई क्रिकेटर जो है वहाँ से राष्ट्रीय पटल पर निकल रहे हैं और इसके पीछे भी बड़ा योगदान बाबा सिद्दीकी का रहा है। गोपालगंज के मांझा के तो रहने वाले थे और क्रिकेट एकेडमी और क्रिकेट के क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी अहम योगदान जो है वो गोपालगंज में जो है वो दिया था। और हमेशा गोपालगंज के क्रिकेट के खिलाड़ी वो की हमेशा मदद करते रहे हैं बाबा सिद्दीकी। तस्वीरें हम गाँव से दिखा रहे हैं, पहले देखिए कि उनके रिश्तेदार उनकी मौत के बाद किस तरीके से जो है वो बोल रहे हैं और क्या कुछ जो है उनको याद करते हुए, बाबा सिद्दीकी को याद करते हुए बता रहे हैं। का नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम हुआ, उनका भतीजा हूँ। बाबा सिद्दीकी जो है इसी पैतृक के वास्ते रहते थे और वे लोग आज से लगभग 40-50 साल पहले यहाँ से चले गए। मुंबई में जाने के क्रम में जो पिताजी व्यवसाय शुरू किए और उन्होंने अपना राज्य उसके बाद 1999, 2005 और 2009 में विधायक रहा, 2009 में मंत्री की पोस्ट पर। बाबा सिद्दीकी के मानव था योजना थे कि हम अपने पैतृक आवास के बच्चों को जो है मुफ्त एजुकेशन दिया जाए ताकि जो है बच्चे जो है शिक्षा से मिल सके। इसके लिए उन्होंने पूरे बिहार में जो है 40 इंटरनेशनल स्कूल रखे थे। यहाँ पर जो है माध्यम के ज्ञानोदय कृष्ण स्कूल में गोपाल में यहाँ उर्दू कॉलेज में भी जो है इस तरह के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और यहाँ पे फ्री कंप्यूटर, फ्री कंपटीशन और फ्री जो है बच्चों को, गरीब बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दिया जाता है।
तो बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई में कर दी गई कल देर रात, और जो जिम्मेदारी है इस हत्या की वो देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जो है वो ली। हालांकि जिन्होंने जिसने गोली चलाई उसे गिरफ्तार जो है वो मुंबई पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी की तरफ से ट्विटर पर जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक शाम 7 बजे जो है आज बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक जो है वो किया जाएगा। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर खत्म करने की बात जो है वो कही है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।